भारत में घरों की बिक्री में हो रही तेज बढ़ोतरी का खुलासा वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट से हो गया है। वित्त मंत्रालय का मानना है कि होम और ऑटो लोन में लगातार हो रही बढ़ोतरी से ये साफ हो गया है कि लोग भविष्य में अपनी नौकरी और आय को लेकर भरोसेमंद हैं। उन्हें छटनी या सैलरी कट जैसा कोई भी डर नहीं सता रहा है। आरबीआई के एक हालिया सर्वे में भी दावा किया गया था कि भविष्य की उम्मीदों को लेकर लोगों का भरोसा बीते चार साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। जिस तरह से बीते दिनों नवरात्र में घरों की बंपर बिक्री हुई है, उसको लेकर भी डेवलपर्स का मानना है कि लोग अब पसंद के घरों को खरीदने के लिए खुलकर खर्च करने को तैयार हैं। इंडियन रियल एस्टेट में, स्पेशली कमर्शियल रियल एस्टेट में, लीजिंग एक्टिविटी बॉयंसी से वापस आई है। तकरीबन इस साल में 40% की बढ़ोतरी देखी गई है ओवर द लास्ट ईयर। तो ये बहुत ही एनकरेजिंग सेंटीमेंट है, एनकरेजिंग पॉइंट है। ये देखा गया है कि कोविड के बाद लोगों ने धीरे धीरे घर से बाहर निकलना शुरू किया और सारी चीज ऑनलाइन से फिर दोबारा से ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे आने का रास्ता खुल गया है। अगर वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट की बात करें तो इसमें कहा गया है कि आने वाले साल में रोजगार और इनकम के साथ लोगों के खर्च में भी इजाफा होगा। लोगों का घरों में निवेश इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि इसमें उन्हें आसानी से लोन मिल जाता है। यही नहीं, लंबे समय के बाद इस फाइनेंशियल एसेट क्लास से उन्हें अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है क्योंकि इसकी कीमतों में भी इजाफा हो चुका होता है। रियल एस्टेट सेक्टर के मुताबिक घर का निवेश भारत में कभी नुकसान की वजह नहीं बनता, इसलिए भी त्योहारों के साथ साथ आम दिनों में भी निवेशक प्रॉपर्टी मार्केट को एक बार जरूर अपने विकल्पों में शामिल रखना पसंद करते हैं। यही वजह है कि अब घरों के साथ रिटेल सेक्टर में भी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। काफी विलेजेस से, रूरल एरियाज से लोग अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, टीयर टू सिटीज में आ रहे हैं, टीयर वन सिटीज में आ रहे हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, टीयर टू टीयर थ्री सिटीज के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल के अंदर है। पिछले चार बारी से आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टेबिलिटी भी है। इसीलिए लग्जरी हाउसिंग जो है इस समय अच्छा कर रही है, लोग अपने लाइफस्टाइल की तरफ फोकस कर रहे हैं, लोग इस समय बोरोइंग से नहीं घबरा रहे हैं। घरों और कमर्शियल प्रॉपर्टी समेत रियल एस्टेट के तमाम सेगमेंट्स की बिक्री में बढ़ोतरी से सीमेंट स्टील जैसे सेक्टर के प्रोडक्शन में इजाफे के साथ रोजगार के भी मौके पैदा होते हैं। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक होम लोन में मई 2021 से और ऑटो लोन में अप्रैल 2022 से डबल डिजिट में बढ़ोतरी हो रही है। दोनों ही लोन में बढ़ोतरी निजी खपत में बढ़ोतरी का मजबूत संकेत है जो अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संदेश है। बड़े बैंकों के साथ एनबीएफसी के भी होम और ऑटो लोन में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में एनबीएफसी ने 20,000 करोड़ रुपए का हाउसिंग लोन दिया जो 2022-23 में 2.4 लाख करोड़ हो गया, यानी करीब 11.2 गुना की बढ़ोतरी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी के बाद व्यक्तिगत निवेश में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2021-22 में ये निवेश दर 28.9% थी जो 2022-23 में बढ़कर 29.2% और 2023-24 की पहली तिमाही में बढ़कर 29.3% हो गई। 2022 में फिक्स्ड निवेश में सबसे ज्यादा 40.4% हिस्सेदारी घर खरीदारी की रही। निवेश में प्राइवेट कॉरपोरेटर सेक्टर की 34.9% तो पब्लिक सेक्टर की हिस्सेदारी 24.7% रही। रिपोर्ट में एक सर्वे के हवाले से कहा गया है कि 2021-22 में 2.8 लाख मकान बेचे गए जबकि 2022-23 में 3.8 लाख घरों की बिक्री हुई, यानी रियल एस्टेट का देश की जीडीपी में योगदान काबिले तारीफ है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।